ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक कांच की कटोरी है, आप चाहे तो स्टील की कटोरी ले सकते हैं, छोटी बड़ी आप जिस इस तरह से बनाना चाहे, लेकिन प्रमाण समान रहे। ये जो है हमें छान लेना है और फिर एक बर्तन में ले लेना है। आप इस तरह से छलनी से छान सकते हैं, मैं इसे छान लूंगी और फिर बर्तन में एक ले लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे एक बर्तन में ले लिया है। इसके बाद हमें इसमें जो है नमक मिलाना है और पानी मिला के हमें इसका बैटर बना लेना है, मतलब पतला सा गोल बना लेना है। ये जो है हमें उसी कटोरी से जो है धनिया, हरा धनिया को माप लेना है, इस तरह से दबा दबा कर हमें इस पूरी कटोरी को बनाना है। तो एक कटोरी धनिया लेना है, इसे हमें अच्छे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना है, पानी से धो लेना है, फिर इसे हमें काटना है। तो फिर अब चलिए इसमें हमें मूंगफली पाउडर भी डालना है, तो वो भी इसी मेजरिंग कप से हम नाप लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। आप जो है इसी कटोरी से, जिस कटोरी से बेसन करेंगे उसी से हरा धनिया और उसी से मूंगफली और उसी से पानी नाप कर आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो है हमने मूंगफली का पाउडर लिया है, मतलब मूंगफली को हमने पीस लिया है, और ये कटोरी देख सकते हैं आप, मैंने 3/4 कटोरी भर के मूंगफली का पाउडर लिया है, एक कटोरी भर के बेसन लिया है और उसी कटोरी एक कटोरी भर के हरा धनिया लिया है, लेकिन हमें जो मूंगफली का पाउडर कम लेना है। अब ये मूंगफली का पाउडर जो है हम इस बेसन में मिक्स करेंगे। ये जो है हरे धनिया का जो है हमने धो के काट लिया है। हमने जो है इसमें डालने के लिए हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन की कुछ कलियां ली है, हमें इन सबको मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। अगर ये सामान जो है बहुत कम है तो आप इसे सिलबट्टे में पीस सकते हैं, जैसे कि मैंने मिर्ची के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, वैसे लहसुन के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी और इसमें कूट लूंगी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान बहुत थोड़ा है तो मिक्सी में ये फिरेगा नहीं, घूमेगा नहीं, तो इसे आप इस तरह से सिलबट्टे में कूट कर मिश्रण में डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे जो है अच्छी तरीके से कूट लिया है सिलबट्टे में, ये पूरी तरीके से फाइन हो जाए, दरदरा हो जाए, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है हमें ये जो बेसन है और मूंगफली का पाउडर है, इसे पानी डालकर मिक्स करना है। आप चाहे तो इस विस्कर की सहायता से कर सकते हैं या फिर चम्मच की सहायता से मिला सकते हैं, और हमें जो है पानी इस कटोरी में नाप कर डालना है। ये देखिए मैंने कटोरी में पानी ले लिया है, अब जो है हमें इसमें पानी डालकर मिलाना है। हमने अभी इसमें नमक नहीं मिलाया है, हम बाद में इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया एक कटोरी, अगर हमें और पानी लगा तो हम और पानी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, कोई गाठी या गुठलियां ना बने इसमें। ये देखिए मैंने इसमें और थोड़ा पानी डालकर मिला लिया है अच्छे से। इसे थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। ये हो गया है, अब हमें आगे की तैयारी करनी है। आगे हमें गैस पर जो है इस तरह से कोई नॉनस्टिक बर्तन रखना है और हमें इसमें तेल डालना है। ये देखिए मैंने जो है पैन में ऑयल डाल लिया है, तेल डाल लिया है, और अब हमें इसमें हींग डालना है, और हींग डालने के बाद अब हम इसमें जो पेस्ट तैयार की है हमने वो डालेंगे। ये देखिए मैंने हींग डाल लिया है, हींग अच्छे से हो जाए तब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। ये जो पेस्ट है अब हम इसमें डालेंगे, ये पेस्ट मैंने इसमें डाल ली है, सारी पेस्ट डालनी है और हिला लेना है। ये पेस्ट थोड़ी पक जाए इसके बाद हमें इसमें धनिया डालना है। ये देखिए ये जो हमने डाली थी पेस्ट दरदरी पिसी हुई, वो बहुत हद तक गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें धनिया डालेंगे। मैंने पूरा धनिया डाल दिया है, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, हरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और नमक। हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच या फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें इसे हिलाना है। हिलाने के बाद
खिलाने के बाद अब हम इसमें ये जो तैयार किया हुआ है घोल ये डालेंगे। ये जो घोल हमने तैयार किया हुआ है बेसन का वो इसमें हम डालेंगे और जल्दी से हिलाएंगे ताकि इसमें गाढ़े ना बने। ये तुरंत पक जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये जो है समझने लगा है, एक गोले की तरह हो जाएगा। ये इसे अच्छे से हिला लेना है, आप देख सकते हैं जैसे कि धीमी गैस पर रखा है मैंने, मंद आंच है गैस की। इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है और जब ये इस तरह से समेटना शुरू हो जाए, इसका जो है डब बनना शुरू हो जाए, तब हमें गैस बंद कर देना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये जो है हमें किसी थाली में निकाल लेना है, ये जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इससे जब आप निकल रही है हमें इसे आधे घंटे तक ठंडा हो देना है, ठंडा होने देना है और फिर इसके काट लेना है इसे और बढ़िया बनानी है इसकी हरे धनिया की बढ़िया। सो हम इसे अब आधा घंटे तक ठंडा होने देते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा पूरी प्लेट में, मैं भी फैला लेती हूँ। आधे घंटे बाद ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए थाली में मैंने जो है इसे अच्छे से हाथ से दबाकर कर लिया है, जो थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसे आधे घंटे तक ठंडा होने देना है, रेस्ट करने देना है। उसके बाद इसे छुरी से काट लेना है और फिर बढ़िया बनाना है छोटी छोटी। ये देखिए इस तरह से ये आधे घंटे बाद ठंडा हो गया है, मैंने जो है छुरी से इसमें इसकी बढ़िया निकाल ली है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ठंडा होने के बाद हमें इसकी बढ़िया निकालनी है। ये देखिए मैंने एक निकाल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप जिस शेप में चाहे, जिस आकार में चाहे बड़ियों को काट सकते हैं। अब हमें इसे तेल में शैलो फ्राई करना है या फिर तेल में हमें इसे तलना है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मतलब कम तेल में आप इसे नॉनस्टिक पैन पर दोनों तरफ से सेक सकते हैं या फिर पूरा डुबो के जैसे पूरिया तलते हैं उस तरह से तल सकते हैं। मैं जो है शैलो फ्राई करने वाली हूँ, मतलब कम तेल में इसे दोनों तरफ से सेक लेने वाली हूँ, मतलब तल लेने वाली हूँ। चलिए फिर देखते हैं आप। ये देखिए धीरे धीरे करके हमें इन बड़ियों को बाहर निकालना है, जैसे कि मैंने ये कुछ निकाल ली है, चौकोन आयत आकार की है, आप जिस चाहे उस शेप में बना सकते हैं। धीरे धीरे निकालना है वरना ये टूट सकती है, जैसे कि एक देख सकते हैं यहाँ पर चिपक गया है। सो धीरे धीरे हमें इन सबको निकाल लेना है। मैं अभी इन सबको निकाल लेती हूँ और फिर फ्राई पैन में तलने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पैन में जो है मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं जिसे शैलो फ्राई करने वाली हूँ मैं इसे पुरियों की तरह तलने नहीं वाली हूँ, आप चाहे तो पुरियों की तरह भी इन्हें तल सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। ये तेल गर्म होने के बाद हम इसमें कोथिंबीर बड़ी, ये तेल गर्म होने के बाद हम इसमें कोथिंबीर बड़ी या फिर कोथिंबीर की बर्फी भी आप कह सकते हैं हम इसमें डालेंगे, लेकिन ये मीठी नहीं है, ये तीखी है, नमकीन है। सो इसे गर्म होने देती हूँ मैं। अब गर्म होने के बाद हम इसमें जो है बढ़िया डालेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया, मैं थोड़ा सा टुकड़ा इसमें डाल के देखा है, हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल गर्म हो गया, हमें आंच धीमी कर लेनी है और अब हमें इसमें बढ़िया डालनी है। ये देखिए धीरे धीरे अब हमें इसमें बढ़िया डालनी है क्योंकि तेल गर्म हो गया। ये देखिए मैंने जो है कोथिंबीर बड़ी जो है तलने के लिए डाल दी है, मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी दोनों तरफ से सुनहरा होने तक, इसमें तेल में मैं भूनूंगी। आप चाहे तो पूरियों की तरह या भजियों की तरह पूरी ज्यादा तेल लगकर उसमें तल सकते हैं, लेकिन मुझे कम तेल चाहिए इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो, आपको जैसा सहूलियत के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे आजकल लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं इसलिए लोग शैलो फ्राई ही करते हैं, या फिर टिक्की हो, पराठा हो या कुछ भी हो, लोग शैलो फ्राई करना ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी कम तेल में इन्हें बनाने वाली हूँ। आपको अगर चाहे तो आप इसे पूरियों की तरह या भजियों की तरह तल सकते हैं। ये देखिए ये एक तरह से सुनहरी हो गई है, मैंने इसे पलट दिया है। दोनों तरफ से सुनहरी होने के बाद हमें इसे निकाल लेना है, इसे पकने देते हैं, होने देती हूँ मैं इसे पूरी तरीके से। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे निकाल, ये देखिए ये इस तरह जो है मैंने शैलो फ्राई कर ली है। अगर आपको लगे तो आप इसे टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं, इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं ये ऑयल पूरा निकल गया है। और अब मैं इसे जो है इमली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये देखिए ये देखिए कितनी अच्छी खस्ता करारी लग रही है, ये अभी गर्म है काफी, देख सकते हैं। मैं आपको फोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से क्रिस्पी है, तुरंत टूट गई। मैं आपको और एक दिखाती हूँ, ये देखिए
इसमें जो है हरी कोथिंबीर अंदर की तरफ जो है हरा धनिया दिखाई दे रहा है। सोया आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।